मिर्जापुर फिल्म की अनाउंसमेंट हुई 2026 में रिलीज होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर के 3 कामयाब सीजन आ चुके हैं और अब सीरीज के फैंस के लिए मेकर्स बड़ा तोहफा लाए हैं। एक्सेल मूवीज ने मिर्जापुर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए एक अनाउंसमेंट टीजर जारी किया है। अपकमिंग फिल्म में मुन्ना भैया और दिव्येंदु शर्मा की वापसी भी कन्फर्म हो चुकी है, जिनके किरदार को सीरीज से खत्म कर दिया गया था। एक्सेल मूवी प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में फिल्म मिर्जापुर की अनाउंसमेंट करके लिखा है, भौकाल भी बड़ा होगा और पर्दा भी जल्द आ रही है मिर्जापुर द फिल्म। अनाउंसमेंट के साथ मेकर्स ने 1:30 का एक अनाउंसमेंट टीजर भी जारी किया है, जिसमें कालीन भैया और पंकज त्रिपाठी कह रहे हैं, गद्दी का महत्व तो आप जानते ही हैं, सम्मान, पावर, कंट्रोल, आपने भी मिर्जापुर अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर देखी होगी, लेकिन इस बार गद्दी से नहीं उठे तो रिस्क होगा। इस पर गुड्डू भैया उर्फ अली फजल कहते हैं, सही बोले कालीन भैया, रिस्क लेना हमारी USP है। अब जो है ना, सारा खेल बदल दिया है। अब क्या है, अब मिर्जापुर आपके पास नहीं आएगा, आपको मिर्जापुर के पास आना पड़ेगा। सामने आए टीजर के अकॉर्डिंग फिल्म मिर्जापुर में सीरीज के इम्पोर्टेंट रोल मुन्ना भैया की वापसी भी होगी, जिनका रोल दिव्येंदु ने निभाया था। उनके किरदार को सीरीज के दूसरे सीजन में खत्म कर दिया गया था। वहीं कंपाउंडर का रोल निभा रहे अभिषेक बैनर्जी भी फिल्म से वापसी करेंगे, जिनके किरदार को पहले सीजन में मार दिया गया था। सामने आए टीजर में मुन्ना भैया उर्फ दिव्येंदु कहते हुए नजर आए, हिंदी फिल्मों के वलन हैं हम और हिंदी फिल्में तो थिएटर में ही देखी जाती है ना, बोले थे ना हम अमर हैं और अब मिर्जापुर की गद्दी पर यहीं से बैठकर राज होगा। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग फिल्म मिर्जापुर साल 2026 में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इसे एक्सेल मूवी के बैनर तले रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म को गुरमीत सिंह डायरेक्ट करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा की फैमिली में आने वाली है गुड न्यूज। तस्वीरें देखकर फैंस ने दी प्रेगनेंसी की बधाई। सोनाक्षी सिन्हा ने इस साल 23 जून को लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रहे जहीर इकबाल से शादी की थी और कपल ने लाविश अंदाज में शादी ना करते हुए रजिस्टर्ड मैरिज की थी। सोनाक्षी की शादी में उनके परिवार के सभी लोग शामिल हुए थे, लेकिन भाई लव और कुश ने शिरकत नहीं की थी। वहीं रिश्तेदारों के अलावा करीबी दोस्त भी उनकी शादी का हिस्सा बने थे। सोनाक्षी की जहीर के संग शादी को 4 महीने बीत चुके हैं और ऐसे में एक्ट्रेस अपनी मैरिज लाइफ को काफी एंजॉय कर रही है। वो शादी के बाद 2 बार हनीमून पर भी गई है। हाल ही में कपल ने दिवाली पार्टी अटेंड की, जहां उन्होंने फोटोशूट भी कराया। इस दौरान एक्ट्रेस ने एक ऐसी पोस्ट शेयर की, जिसके बाद उनके प्रेग्नेंट होने की खबरों ने तूल पकड़ ली है। सोनाक्षी सिन्हा अक्सर जहीर इकबाल के साथ लवी डवी पिक्चर शेयर करती रहती हैं। इस बार उन्होंने एक फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें जहीर और उनके अलावा कोई और भी नजर आ रहा है। इसे देखकर कई फैंस ने एक्ट्रेस को प्रेगनेंसी की बधाई तक दे डाली। तस्वीर में सोनाक्षी ने अपनी गोद में पपी को ले रखा है और इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन पर कुछ ऐसा लिखा, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो प्रेग्नेंट हैं। सोनाक्षी ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया है, गेस द पूकी। सोनाक्षी के इस पोस्ट पर उनके प्रेग्नेंट होने की खबरों ने जोर पकड़ा है। एक यूजर ने कमेंट किया, बधाई हो, नन्हा मेहमान आने वाला है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, प्रेगनेंसी की बेस्ट विशेस। कई फैंस ने सोनाक्षी और जहीर के लिए ब्यूटीफुल और माशाल्लाह जैसे कमेंट भी किए हैं। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्मों की बात करें तो शादी के बाद काकुड़ा उनकी रिलीज हुई और ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज न होकर OTT प्लेटफॉर्म पर गई थी। वहीं इस साल उन्हें हीरा मंडी में भी देखा गया, जिसमें उन्होंने माँ और बेटी का डबल रोल निभाया था। एक्ट्रेस की सीरीज में परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। विद्या बालन ने ठुकराई थी भूल भुलैया 2। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2007 में आई थी और तब से ही इसे लेकर दर्शकों में काफी क्रेज है। इस फिल्म में विद्या बालन और अक्षय कुमार ने काम किया था। जब भूषण कुमार ने भूल भुलैया 2 बनाने का सोचा तो उन्होंने विद्या बालन को रोल ऑफर किया, लेकिन विद्या ने रोल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि वो पहली फिल्म जैसी सफलता दोहरा नहीं पाएंगी। इस इवेंट के दौरान प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया, मैंने विद्या जी को भूल भुलैया 2 के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर ट्रेलर लॉन्च के वक्त रिक्वेस्ट की कि कम से कम ट्रेलर का हिस्सा बन जाएं। उन्होंने ट्रेलर पोस्ट किया, फिल्म को पसंद किया और वादा किया कि वो तीसरी फिल्म का हिस्सा बनेंगी। इस बारे में विद्या ने कहा कि मुझे बहुत डर था, क्योंकि भूल भुलैया 1 ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने कहा कि मैंने गड़बड़ कर दी तो सब पानी फिर जाएगा। अब भूल भुलैया 3 में विद्या फिर से शामिल हो रही है। उन्होंने बताया कि मैं भूल भुलैया 2 में काम करना चाहती थी, लेकिन डर था। मैंने अनीश भाई से कह दिया कि ये रिस्क नहीं ले सकती,
थी, लेकिन जब तीसरे पार्ट का ऑफर आया, स्क्रिप्ट पसंद आई और चीजें बेहतर होती गईं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इसमें कार्तिक भी थे, मुझे भूल भुलैया 2 भी पसंद आई थी और माधुरी दीक्षित भी थी। मैंने हिम्मत जुटा ली और मजा आया। अनीस भाई एंटरटेनमेंट के बादशाह हैं और उनके साथ काम करना काफी मैजिकल था। वैसे आप सबको बता दें कि भूल भुलैया 3 1st नवंबर यानी कि दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का क्लैश हो रहा है सिंघम अगेन से। कैंसर ट्रीटमेंट के बीच एडवेंचर करती हुई नजर आई हिना खान। एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर है। बीते कई हफ्तों से उनका थर्ड स्टेज का कैंसर ट्रीटमेंट जारी है। हालांकि इस बीच एक्ट्रेस अपने हर शौक को पूरा करते हुए नजर आ रही हैं। कुछ समय पहले रैंप वॉक करने के बाद अब हिना एडवेंचर ट्रिप को लेकर भी चर्चा में है। एक्ट्रेस ने अपनी रिसेंट वेकेशन से स्कूबा डाइविंग घुड़सवारी की कई तस्वीरें शेयर की है। इसके अलावा भी उन्होंने कई एडवेंचर एक्टिविटीज की है जिनकी वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं। हालांकि खतरनाक एक्टिविटीज करते देख हिना के फैंस भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हाल ही में हिना खान ने अपनी वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं और हाल ही में स्कूबा डाइविंग की वीडियो शेयर करके हिना खान ने लिखा है, मुझे नहीं पता कि ज्यादा डाइविंग क्या है, साइलेंट की खूबसूरत या मेरा खुद का एडवेंचर के लिए ये ज्यादा प्यार है, जो भी हो ये उसके लायक है। तस्वीरें सामने आने के बाद कई यूजर्स जहां हिना खान की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स उनके लिए फिक्रमंद हैं। एक यूजर ने उनके वीडियो में लिखा है, डियर हिना, हम जानते हैं आप स्ट्रांग हैं, लेकिन प्लीज वाटर स्पोर्ट्स से दूर रहिए, आपकी इम्यूनिटी वीक है, अपना ख्याल रखिए। 1st अक्टूबर को सेवा साहस संस्कृति सेलिब्रेशन के दौरान हिना खान ने रैंप वॉक की थी। इस दौरान उन्हें कैंसर सर्वाइवर सोनाली बेंद्रे ताहिरा कश्यप का साथ मिला था। इस दौरान अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 का प्रमोशन कर रहे कार्तिक आर्यन भी इस इवेंट का हिस्सा बने थे। वहीं बताते चले कि हिना खान ने टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इस शो से हिना खान को घर घर पहचान मिली थी। इसके अलावा हिना कसौटी जिंदगी की और बिग बॉस 11 में भी नजर आ चुकी हैं। टीवी इंडस्ट्री के अलावा हिना हैक्ट जैसी कई फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं। शिल्पा शेट्टी के बेस्ट इन क्लब से BMW हुई चोरी, चोर ने हैकिंग के जरिए खोली कार। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के मुंबई में मौजूद बेस्टियन रेस्टोरेंट से एक BMW Z4 कार चोरी होने का मामला सामने आया। ये कार बांद्रा बेस्ड बिजनेसमैन और कार कलेक्टर रूहान खान की थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। रूहान ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। रूहान बीते 27 अक्टूबर को रात 2 बजे अपने दोस्तों के साथ दादर में मौजूद बेस्टियन क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने क्लब के वैले को कार पार्किंग करने के लिए दी। वैले ने कार को बेसमेंट में पार्क कर दिया और कार पार्क करने के बमुश्किल 1 मिनट के अंदर ही एक जीप में सवार 2 लोग बेसमेंट में पहुंचे और कार को हैकिंग के जरिए खोला और कार लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। इसके बाद सुबह 4 बजे जब क्लब बंद होने पर रूहान ने वैले से अपनी कार लाने के लिए कहा तो पता चला कि उनकी कार बेसमेंट में नहीं है। CCTV फुटेज की जांच करने पर पता चला कि कार चोरी हो गई है। रूहान के लॉयर अली काशिफ खान देशमुख ने बताया कि शिवाजी पार्क पुलिस ने जांच के बाद तुरंत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सड़कों पर लगे सभी CCTV के जरिए आरोपियों को खोजने की कोशिश कर रही है। वहीं लॉयर ने क्लब की सुरक्षा में हुई चूक और तय समय से अधिक देर तक रेस्टोरेंट के खुले रहने पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने खुलेआम शराब परोसने को कानून का उल्लंघन भी बताया। उन्होंने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा।